बिना उधार अब पाकिस्तान का नहीं लग सकता बेड़ा पार। अपना वजूद बचाने के लिए पाकिस्तान को इस समय आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है। करीब 300 अरब डॉलर की पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट का सामना कर रही है। अमेरिका से मिलने वाले खैरात के पैसे पर रोक के बाद पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खस्ता हो गई है कि भारत के एक अठन्नी में पाकिस्तान का पूरा रुपया मिल रहा है। आसान भाषा में समझाएं तो भारत के 50 रुपए के बराबर पाकिस्तान का 100 रुपया हो गया है। चुनाव से पहले गंभीर आर्थिक संकट से पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। रुपए में भारी गिरावट से साफ है कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही लगातार कमी और चालू खाता घाटे का बना रहना पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। इससे बचने के लिए उसे एक बार फिर उधार लेने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाना पड़ सकता है। पाकिस्तान अगर पैसा मांगने IMF के पास जाता है तो ये पिछले 5 सालों में दूसरी बार होगा। इससे पहले पाकिस्तान 2013 में IMF के सामने हाथ फैला चुका है। बता दें कि पाकिस्तान की मुद्रा रुपया में जारी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 122 पाकिस्तानी रुपए हो गई थी। सोमवार को डॉलर की तुलना में पाकिस्तानी रुपए में 3.8% की गिरावट दर्ज की गई। अगर डॉलर की कसौटी पर भारत से पाकिस्तानी रुपए की तुलना करें तो भारत की अठन्नी पाकिस्तान के करीब 1 रुपए के बराबर हो गई है। $1 अभी करीब 67 भारतीय रुपए के बराबर है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक पिछले 7 महीने में 3 बार रुपए का अवमूल्यन कर चुका है, लेकिन पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव है। चुनाव से पहले कमजोर आर्थिक स्थिति को पाकिस्तान के भविष्य के लिए गंभीर चिंता की तरह देखा जा रहा है।